अभी कभी कभी आपने सुना है एक नवरात्र ही गायब हो गया मतलब पांचवे के बाद छठा नहीं आया सातवा नवरात्र आया एस्ट्रोलॉजी का मतलब नौ ग्रह नहीं है राशियां नहीं है उससे बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजी लेकिन आजकल लोग ज्योतिष आचार्य नहीं है उपायचार्य अगर किसी का सातवें घर का लॉर्ड खराब है चाहे वो एस्ट्रोलॉजी क्यों ना हो उसकी उसकी बीवी से नहीं बनेगी उसको अपोजिट जेंडर से सपोर्ट नहीं मिलेगा वो कुछ करना इसका मतलब ये है जो हमारी कुंडली में लिखा है वही होगा अगर उस इवेंट को रोका जा सकता है महाभारत क्यों तो एस्ट्रोलॉजी होती क्या है कैसे आपकी लाइफ में वो असर डाल सकती है क्या है एस्ट्रोलॉजी असली में और क्या इसके ऊपर बिलीव भी करना चाहिए क्यों हम अलग अलग एस्ट्रोलॉजर से सेम बात जब पूछते हैं वो अलग अलग आती है आज इन्हीं सभी चीजों के बारे में हमारे साथ में जो एस्ट्रोलॉजी के रिसर्च वाले बंदे हैं उनके साथ में हम डिटेल के अंदर ये चीज जानने वाले हैं महाभारत देखिए हाँ महाभारत में और विदुर सत्यवती के होते थे उनके फादर थे विचित्र वीर लेकिन उनके बायोलॉजिकल फादर कौन थे वेद व्यास वेद व्यास के फादर कौन थे पराशर ऋषि रिश। पराशर ऋषि और सत्यवती जी यमुना में थे और सत्यवती उनको यमुना क्रॉस करा रही थी तब पराशर जी की कंसेविंग हुई उस टाइम रवि योग रवि योग मतलब पंचांग में कुछ योग होते हैं उनमें से एक योग है रवि योग उसको बड़ा स्पीशियस योग माना जाता है और आपके चैनल से मैं आपको एक बात बताता हूँ जब रवि योग में कंसीविंग होती है तो आपका जो प्रोजेनी होती है जो बच्चा होता है वो काफी सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं अच्छा ये रवि योग बनता है सूर्य और चंद्र के नक्षत्र के डिफरेंस से जब सूर्य के नक्षत्र से चंद्र का नक्षत्र चार नक्षत्र आ गया है छह नक्षत्र आ गया है नौ दस तेरह और बीस नक्षत्र आ गया है इस पॉइंट पे रवि योग बनेगा ये टेक्निकली शुक्ल पक्ष में ही बनता है और कृष्ण पक्ष की या तो सृष्टि में बनता है या सप्तमी में बनता है ये क्या होता है मेरे को नहीं पता कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष नौ मून होता है नौ मून को हम अवस्या बोलते हैं फुल मून को क्या बोलते हैं पूर्णिमा तो जो नौ मून से फुल मून का पीरियड होता है ये होता है शुक्ल पक्ष शुक्ल मतलब होता है सफेद और कृष्ण का मतलब होता है काला तो जो पूर्णिमा से अमावस्या का पीरियड होता है फुल मून से नौ मून का उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष वैनिंग एंड वैक्सिंग मून तो पता ही होगा वो वाला कॉन्सेप्ट है और जो जितने भी रवि योग है उसमें से सारे अभी रवि योग शुक्ल पक्ष में बनते हैं और एक रवि योग कृष्ण पक्ष में बनता है जो सन और मून से ट्वेंटी नक्षत्र का जो डिफरेंस है वो कृष्ण पक्ष की या सी तिथि में बनेगा या सप्तमी तिथि में बनेगा इस टाइम पे चाइल्ड बहुत अच्छी मानी गई है महत्व दिया हुआ योग उत्पन्न करने का योग माना जाता है तो पराशर जी ने ही अपने क्लास में ये बात mention की उन्होंने उनको बताया था कि इस समय जो मूरत है इस समय अगर कोई कंसीव करता है तो उसका नाम कई हजार सालों तक लिया जाएगा और आज हम ले ही रहे वेदी पराशर पराशर का मतलब होता है पराशु प्राण को बचाने वाला इनके पिता का नाम था शक्ति और इनकी माता का नाम था काली और ये पराशर थे और इनके बेटे का नाम था वेद व्यास तो नाम जाना जाता है इनके बेटे का नाम था कृष्ण द्विपायन इज इक्वल टू वेद व्यास जी और कृष्ण नाम इसलिए था अभी मैंने आपको कृष्ण का मीनिंग क्या बताया कृष्ण पक्ष में अर्थ ब्लैक कृष्ण द्विपायन वो ब्लैक थे डार्क इवन हमारे कृष्ण जी भगवान कृष्ण भी डार्क थे सीरियल वाले कृष्ण गोरे होते हैं लेकिन कृष्ण का असली मीनिंग है डार्क और ब्लैक जो इसका लिटरल मीनिंग है तो वेद व्यास जी वॉज द बायोलॉजिकल फादर क्योंकि सैरोगेसी टाइप कुछ हुआ था नीव बोलते हैं उसको ऑफ थ्री चाइल्ड्स विद रास्ट चौंदा था, पांडु, जिसका नाम पांडु सिर्फ इसलिए पड़ा था कि जब पैदा वो पैदा तो होता पीला था और विदुर विदुर का मतलब होता है विद्वान जिसका मतलब है जो बहुत कुछ था बहुत विद्वान था इसकी वजह जानोगे ना ले जाओगे जब नियोग क्रिया हुई तो विदुर की जो मदर थी वो दासी थी वॉज सेज वेद व्यास और कृष्ण इज विद हर फीलिंग वेरी ब्लेस्ड तो उनके बेटे का नाम क्या पड़ा विदुर दासी पुत्र बोलते हैं विदुर को लेकिन ही द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द लॉट पांडु पीला था क्योंकि उसकी मदर डर गई थी डर गई थी सहम गई थी मतलब इट वॉज अ फोर्सफुल इवेंट वंश को बढ़ाने के लिए फोर्सफुल इवेंट था एक तरह से उनके माइंडसेट के हिसाब से और जो दृतरास्ट की माँ थी अंबा और अम्बालिका की बात कर रहा करो दोनों बहनें थी उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी स्टार्ट उन्होंने आंखें बंद ही रखी थी अपनी तो आंखें बंद करने वाला का जो बच्चा पैदा हुआ वो कौन हुआ अंधा जो डर गई थी जो सहम गई थी उसका बच्चा पैदा हुआ उसको जॉइंटिस्ट रहा था पीला था बिल्कुल उसको नाम दिया पांडू उसको नाम दिया दृतरास्ट और जो सबसे ज्यादा ब्लेस्ड फील कर रही थी उसको नाम दिया विदुर तो कंसीविंग कंसीविंग एंड प्रेगनेंसी के टाइम पे जो बॉडी ऑफ होती है उसके जो हार्मोन्स होते हैं है, 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 है। अगर माँ खुश है तो खुछ, बच्चा खुश भी साज होगा फिर एस्ट्रोलॉजी दाता ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन कलयुग अब ये महाभारत का युग है पर है जिस हम बात कर रहे हैं तो महाभारत का युग खत्म होने के बाद कलयुग स्टार्ट हुआ राजा परीक्षित से तो राजा परीक्षित के टाइम पे भी पराशर जी थे पराशर जी एंड व्यास जी और कल युग की स्टार्टिंग में वो थे कल युग में जो एस्ट्रोलॉजी हम पढ़ रहे हैं जिसको हम पराशर ओरा शास्त्र बोलते हैं ये पराशर जी इसके राइटर है और इसको इम्प्रोवाइज किया गया व्यास जी के द्वारा और व्यास जी के एक और शिष्य थे उनका नाम था ऋषि जैमिनी ऋषि जैमिनी ने और ज्यादा इम्प्रोवाइज किया पराशर ओरा शास्त्र को और उसको अपना नाम दिया जैमिनी सूत्रम हम जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं जिसको मैं भारतीय एस्ट्रोलॉजी का नाम देना चाहता हूँ भारतीय वैदिक एस्ट्रोलॉजी को लिखने वाले रचने वाले मेन दो ही ऋषि हैं एक पराशर ऋषि वेदव्यास ऋषि और जैमिनी ऋषि और इनका लीनेज ऐसे है पराशर वॉज द फादर वेद व्यास वॉज दी सन एंड जैमिनी वॉज दी डिसाइपल ऑफ वेद व्यास अग्निपुराण में आपको इन तीनों के बारे में पता चल जाएगा अग्नि पुराण क्या है जैसे वेद है वैसे पुराण सबके एक तरह से ऑडिटर है वेद व्यास जी उसमें सब लिखा होता है हिंदुइज्म का मतलब ही ग्रंथ और पुराण है और यही आजकल मतलब खत्म होते जा रहे है एस्ट्रोलॉजी का मतलब नौ ग्रह नहीं है बारह राशियां नहीं है उससे बहुत बड़ी है एस्ट्रोलॉजी समझाओ थोड़ा मेरा तो नौ ही ग्रह सुने और नौ ग्रह भी मुझे आ, ये पॉडकास्ट करते करते पता लगा कि जो हमने साइंस में नौ ग्रह पढ़े हैं

पॉइंट है जिसमें वो इंटरसेक्ट करते हैं उनको नोट्स बोलते हैं एक साउथ का नोड है एक नॉर्थ का नोड है तो इन नोट्स को बोलते हैं राहु केतु ये फिजिकली नजर नहीं आते लेकिन इनका रेलिवेंस बहुत है इनको वर्ड यूज किया गया अप्रकाश ग्रह जिनका प्रकाश नहीं है जिनका प्रकाश नहीं है पर ने वर्ड यूज किया अप्रकाश ग्रह इसके अलावा भी बहुत सारे अप्रकाश ग्रह है गुलित धूम परिवेश ये भी अप्रकाश ग्रह है और मैं आपको गारंटी देता हूँ बाकी निन्यानवे परसेंट को तो पता ही नहीं ये होते गया। उनको, न, इनको एस्ट्रोनॉमिकली निकाला कैसे जाता है ये इतनी बड़ी साइंस है मेरे भाई साहिब भाई इतनी बड़ी साइंस है जिसका मतलब आक से दो साल में तीन साल में पांच साल में कम्प्लीट हो जाएगी

हमेशा एट दी मैटर ऑफ रूल चार राशि तेरह डिग्री दूर होगा जहाँ पे सन प्लेस डे आपकी कुंडली में और जहाँ पे धूम बैठा है वहां ठाकुर तो गयो वहाँ प्रॉब्लम आती ही आती है तो इन प्लेनेट के बारे में भी किसी को कोई नॉलेज नहीं है धूम हैतु वाला धूम है आ, ये वही वाला धूम है धूम केतु वाला धूम है और धूम नहीं है धूम केतु धूम केतु मैं कोई संस्कृत का स्टूडेंट नहीं हूँ तो मेरे को भी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आती है और मैंने पता संस्कृत क्यों नहीं ली थी आज से कुछ साल पहले जब स्कूल में कभी ऑप्शन आया था क्योंकि मेरे सारे दोस्त फ्रेंच और जर्मन की तरफ जा रहे थे और तो मैं रिग्रेक्ट करता हूँ उस चीज को आज आजम हमें अपनी बुक्स को जो भी आजकल नए बच्चे जो जो 2005 के बाद बॉर्न हुए हैं अगर वो कोई भी मोटा सुन रहा है हमें अपनी लैंग्वेज और अपनी बुक्स को बहुत ज्यादा तो संभाल के रखना चाहिए इसमें इतना ज्ञान है इतना कुछ है चाइनीज का भी इंग्लिश नहीं बोलता रशियन का भी इंग्लिश नहीं बोलता उनको अपनी लैंग्वेज प्राइड फील करते हैं बट वी डोंट फील प्राइड इन आर हिंदी लैंग्वेज और ग्रंथ और ये लेकिन हमें राइट फील करना चाहिए टाइम चेंज हो रहा है लेकिन जो दो के बाद वाले बच्चे हैं अगर वो इस चीज़ को अभी स्टडी करने लग जाएंगे ना तो आने वाला टाइम उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर किसी ने गीता पढ़ ली ना उसको डिप्रेशन हिट ही नहीं कर सकता और अगर किसी ने पराशर शास्त्र पढ़ ली ना वो इतनी अच्छी गाइडेंस अगर उसको उनके लिए अच्छी नहीं भी है वो अपने आप को इतनी अच्छी गाइडेंस देगा कि वो आराम से सारे रास्तों से निकल जाएगा हर बंदा लोन मस्क नहीं बन सकता नेचर में हर चीज का होना जरूरी है सारे शेर नहीं हो सकते सारे मगरमच्छ नहीं हो सकते सारे हिरन भी हो सकते हर चीज का होना जरूरी है लेकिन द सोल ऑफ योर लाइफ इज इज हैप्पीनेस हैप्पीनेस वो एक्सेप्टेंस जिस भी तरह से हम उस कुंडली को ऑल्टर कर सकते हैं चेंज नहीं कर सकते ऑल्टर कर सकते हैं हम वो करते हैं तो आपने बताया किसी को शेर सवा शेर नहीं बना सकता इसका मतलब यह है जो हमारी कुंडली में लिखा है हमारे साथ वो ही हो वही होगा वही होगा थोड़ा बहुत ऑल्टर किया जा सकता है ऑल्टर डेफिनेशन किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट लिखा है तो उसको बोलूंगा अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले अपना टर्म इंश्योरेंस ले और अपना गाड़ी का इंश्योरेंस ले और गाड़ी ध्यान से चला कम एक्सीडेंट नहीं रो तूफान आने वाला है या अर्थ के आने वाला है तो अर्थ के, सकता हूं। उस के लिए आपको रेडी कर सकता हूं। लेकिन उस इवेंट को नहीं रोका जा सकता अगर उस इवेंट को रोका जा सकता तो महाभारत की होती आ रहे उस टाइम स्कॉलर से थे ना वेद व्यास जी स्कॉलर थे जो पांडु और दृतराष्ट्र थे वो स्कॉलर थे विश्व दामा स्कॉलर थे फिर भी महाभारत हुई ना इवेंट रोका नहीं जा सकता इवेंट को मैनेज किया जा सकता ये चीज हमेशा ध्यान रख और जो जैसे बड़े इवेंट्स डेथ है तो डेथ भी कुंडली में लिखी है ऐसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ आठ के अलावा वो आठ चिरंजीवी है जो पैदा हुआ उसकी डेथ ना हो और ऐसा कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ जिसके माँ बाप की डेथ ना हो मतलब मैं कह रहा हूँ अगर डेथ लिखी हुई है और कुंडली में आपने प्रेडिक्ट कर दिया इस दिन डेथ है तो उस दिन नहीं होगी या उसको मैनेज किया जा सकता है आप टाइम फ्रेम बता सकते हो आप लॉन्जिविटी को निकालने के दो चार तरीके बताए गए हैं उनमें निकाल निकाल सकते हो और सटल तरीके से करने के लिए तुंज मंत्र की तरह मंत्र दान और उपवास इन तीनों में से या तीनों या तीनों में से कोई ना कोई रेमेडी कर डेथ होगी तबीयत खराब होगी लॉसेज होंगे ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ कोई जितना मर्जी बड़ा एस्ट्रोलॉजर बन जाए वो अपने इन चार पांच चीजों से बच नहीं सकता अगर किसी का सातवें घर का लॉर्ड खराब है चाहे वो एस्ट्रोलॉजरी क्यों ना हो उसकी उसकी बीवी से नहीं बनेगी उसको अपोजिट जेंडर से सपोर्ट नहीं मिलेगा वो कुछ कर ले उल्टा लटे जाएगा तब भी नहीं मिलेगा किसी का फिफ्थ हाउस का लॉर्ड खराब है तो उसके स्पर्म में डिफेक्ट आ जाएगा चाहे वो जिम कर रहा हो चाहे वो अंडे खा रहा हो चाहे वो कुछ भी कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम तो आएगी आएगी एक बात बताओ सर आपकी आई और मेरी क्या हमारे मेहनत से आई है हमारा जेंडर हमारे मेहनत से आया है हम कि, किस घर में पैदा हुए लक अपना रोल प्ले करता है और ये जो हमारी मोल्स होते हैं बर्थ मार्क्स होते हैं जिस तरह से हमारा चेहरा होता है ये सब हमारे लास्ट बर्थ को डिफाइन करते हैं और बताओ उसको कैसे बोल्स कैसे डिफाइन करते हैं मेरा एक बर्थ मार्क है पेट में मेरा आज तक कोई सर्जरी नहीं हुई कोई ऑपरेशन नहीं हुआ मेरा वो बर्थ मार्क क्यों है मैं सोचता रहता था छोटा सा ही बर्थ मार्क ऐसा लगता है किसी ने मारा हुआ है चाकू या मतलब उस तरह से तो जब मैं ये होरा साल से पढ़ रहा था तो इसमें पिछले जन्म और अगले जन्म का ही बताया जाता है ये 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 हो सकता है तो पिछले जन्म का ही ये कुछ है जो इस जन्म पे मुझे नजर आ रहा है तो हम हमारे जो एट्रीब्यूट होते हैं हमारी जो भी चीज है वो सब हमारी कुंडली में कहीं ना कहीं नजर आती है अब मैं आपको एक बड़ी सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ जब भी राखी होती है किसी भी साल तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना ये मुहूर्त है और ये मुहूर्त नहीं है हाँ ये भद्रा काल है ये भद्रा काल होता क्या है और ये राखी के दिन आते है तो क्या पूरे साल में बाकी दिन नहीं आता हर साढ़े दिन बाद साढ़े तिथियों बाद भद्रा काल आएगा भद्रा काल का मतलब होता है विष्टिकरण हमारे पंचांग में पांच फैक्टर होते हैं तिथि वार नक्षत्र योग करण उसमें से जो विष्टिकरण है ना उसको काल कहा जाता है और जो आदमी विष्टीकरण में पैदा हो गया वो या तो दूसरों से काम नहीं करा पाएगा या उसकी प्रॉब्लमेटिक लाइफ रहेगी ही रहेगी अपनी अपनी कुंडली सब चेक करने में विष्टीकरण पंचांग के फैक्टर्स में पांचवा फैक्टर है करण उसमें अगर आपका करण विष्टि है तो आपकी कुंडली प्रॉब्लमेटिक है अब इसमें ग्रह क्या करेंगे अगर मेरा दो चार राजयोग बनते हैं लेकिन मिष्टीकरण सब कुछ नलीफाई नली कर देगा वहां पे बैठ के ऐसी तिथि नलीफाई कर सकती है उसको बढ़ा भी सकती है नलीफाई भी कर सकती है तो बहुत सारे फैक्टर्स है अदर देन प्लेनेट जो चीजों को बुरा और अच्छे में कन्वर्ट कर सकते हैं अब शनि मेष राशि में नीच का होता है और सूर्य तुला राशि में नीच का होता है लेकिन एक चीज होती है पुष्कर और एक होता है नर्गोत्तम प्लेनेट अगर कोई भी प्लैनेट नीच में बैठ के या तो पुष्कर नमांस में या वर्गोत्तम में तो भी वो बहुत बड़, बड़, बड़े 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 राजयोग दे देगा तो एस्ट्रोलॉजर्स क्या करेंगे पोस्टमार्टम करना बहुत आसान है कुंडली का एक बार राजयोग आने के बाद सब बता देंगे कि नरेंद्र मोदी की जिंदगी में राजयोग थे लेकिन दस साल पहले अगर किसी एक ने बोला होगा तो वो मैटर करता है पोस्टमार्टम करना किसी भी चीज का बहुत आसान होता है अगर आपको ठीक प्रिडिक्शन करनी है ठीक गाइडेंस करनी है तो यू है तो मैं आपको बता रहा ऐसी, ऐसी हूँ जो जो पूरी दाढ़ी सफेद हो जाएगी पूरे बाल सफेद हो जाएंगे तब जाके पचास परसेंट पे पहुंचूंगा तो अभी जैसे आपने बात करी कुंडली की तो कुंडली क्या है कुंडली जब बच्चा पैदा होता है एमबिकल कॉर्ड कटती है उस लोकेशन से धरती के उस लोकेशन से

मैं आपको बड़ा छोटा एग्जाम्पल देता हूँ कलकत्ता में सनराइज होता है उसके बाद गुजरात में सनराइज होता है सुबह तो छह बजे मान लो कलकत्ता में सनराइज हुआ और गुजरात में सनराइज हुआ तो कितने मिनट का गैप आ गया, गया? तो मिनट तो का।, का।, का कलकत्ता में एक बच्चा पैदा हुआ और गुजरात में एक बच्चा पैदा हुआ संडे मॉर्निंग को कल दोनों छे बजे हुए कलकत्ता वाला संडे को पैदा हुआ है क्योंकि अभी वहां पे सनराइज हो चुका है और गुजरात वाले में अभी सनराइज नहीं हुआ लेकिन वो उसी टाइम पे पैदा हुआ है तो वो एज पर हिंदू कैलेंडर वो सैटरडे को पैदा हुआ है क्योंकि सनराइज पे ही दिन चेंज होता है एज पर पंचांग तो उसका वारपति हो गया संडे उसका वारपति हो गया सैटरडे अब जिसका सैटरडे वारपति है और जिसका संडे वारपति है तिथि वार नक्षत्र योग और करण के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं सिर्फ वार चेंज होने से कितना बड़ा चेंज आएगा कुंडली में आप सोच भी नहीं सकते एक एक डिग्री एक एक डिग्री का फर्क पड़ता है और एक सवाल और आया मेरे पास में अचानक ही कुंडली अगर हम बना रहे हैं अपने बोला स्क्रीनशॉट है तो मैं यहाँ था जब मैं पैदा हुआ तो आपने कहा सन इस डिग्री पे था ये इतनी डिग्री पे था हिसाब से था तो ये जो बनाए गए तो तो हाँ। और तो सारी चीजें आज के सॉफ्टवेयर सौ से भी मैप कर रही है आज के सॉफ्टवेयर में तो अभी भी गलत चीजें हैं उस टाइम जो ने लिखा था उनको तो आप चैलेंज भी नहीं कर सकते और इतने साल पहले प्रोडिक्शन कैसे किया मतलब उस टाइम पे तो आज तो चलो मैं साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से मानता हूँ हमारे ऋषि मुनि हमसे कई हजार गुना मॉडर्न थे जो पुष्पक विमान था ना रावण का वो आज के एयरबस बस थ्री ट्वेंटी से कई ज्यादा मॉडर्न था क्योंकि उसको उतरने के लिए रनवे नहीं चाहिए होता था अगर रावण ने डिसाइड किया कि यहाँ उतरेगा तो वो यहीं उतरेगा वो वो ऑन दी स्पॉट अपने उतरने का वो बना लेता था तो आप उनकी टेक्नोलॉजी को हमारी टेक्नोलॉजी आज की टेक्नोलॉजी से कंपेयर मत करो देवर फार मोर बेटर हमें लगता है कि हमारी टेक्नोलॉजी आज बेटर है लेकिन फार मोर बेटर यहीं पे एक और क्वेश्चन है अब स्क्रीनशॉट था आपने कहा कि कुंडली बना रहे हैं तो आपने कुंडली बनाई एक एक और एस्ट्रोलॉजर ने कुंडली बनाई और तीनों ने चारों ने बनाई सबकी कुंडली सेम ही है कुंडली सेम है पर सबके एनालिसिस क्यों अलग है कोई वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है कोई इंडियन एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है कोई केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है कोई नारी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है एस्ट्रोलॉजी की स्टडी में ना पोल्यूशन बहुत हम इस पर कोई लाइसेंस तो को मिलता नहीं है कि कौन कैसा एस्ट्रोलॉजर है कौन कैसा एस्ट्रोलॉजर है और ये लाइसेंस ना मिलने एक डॉक्टर में तो प्रोटोकॉल होता है ये टिक किया ये टिक टिकिया इसमें कोई प्रोटोकॉल तो है नहीं न्यूमोलॉजी वालों का को कोई प्रोटोकॉल नहीं है और एस्ट्रोलॉजी वालों का को कोई प्रोटोकॉल नहीं है तो इसलिए एनालिसिस डिफरेंट आता है और मैं तो किसी साइंस को बुरा या भला नहीं कहता हर साइंस अपने आप में ठीक है

महर्षि की उपाधि है जिनको उसमें से पराशर व्यास और जैमिनी ऋषि तीनों सबसे पुराना भी यही है वैदिक सबसे पुराना जो वैदिक कल्चर है वो ब्रह्मा जी से शुरू ब्रह्मा के बाद नारद नारद के बाद सूर्य और सूर्य के बाद आगे आगे बढ़ते बढ़ते पराशर जी के बाद को बताया मतलब पराशर जी ने डॉक्यूमेंट करना शुरू किया डॉक्यूमेंट करना पराशर जी ने शुरू किया बाकी उससे पहले वर्बल होता था जो आपने बोला कुंडली का थोड़ा उसको जस्टिफाई भी किया यूनिवर्स बनता है फिर खत्म होता है यूनिवर्स बनता है, ये कहा गया है कि ब्रह्मा जी का एक दिन इस पूरा यूनिवर्स बनना और खत्म होना तो बेसिकली ब्रह्मा जी ही देख रहे हैं मॉनिटर कर रहे हैं मॉनिटर तीनों ही कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश उनको भी मॉनिटर किया जा रहा है शक्ति के द्वारा हर मॉनिटर का एक मॉनिटर है हर और... कंपनी का एक ऑडिटर है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर राष्ट्रपति है राष्ट्रपति के मॉनिटर तो कौन कर रहा है आपने मुझे गाइड कर दिया बता दिया कि आपके साथ ये होने वाला है अब उससे मैं क्या कर लूंगा अगर चेंजेस नहीं है मेरे हाथ में कुछ कोई भी एग्जाम्पल बता दो एग्जाम्पल के लिए आपने मेरी कुंडली देखी और मेरी कुंडली के ऊपर बताया कि आपका जो आने वाला एक साल है ना उसमें हेल्थ इश्यूज रह मैं आपको बोलूंगा बाहर का नहीं खाना ड्रिंक नहीं करनी स्मोक नहीं करनी जिम जाना है डॉक्टर को दिखाना है नेचुरपैथी की तरफ फोकस करना है तो वो जो हेल्थ इशू है जो बहुत बड़ा हो सकता था उसको हम किसी तरह कंट्रोल करेंगे ना गाइडेंस की तरह हाँ मैं आपका बिल्कुल मानता हूँ को मैं बिल्कुल रिवर्स नहीं कर सकता लेकिन अच्छी तरह कंट्रोल तो किया जा सकता है वो जो एक डेढ़ साल खराब है मेरे को एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर ने दो में बोला था अठारह तक कोई काम मत करियो अपने आप को सिर्फ ट्रेन कर एजुकेट कर उन्नीस से काम शुरू करियो तेरह से अठारह जो किया सब तो खराब हुआ किसी ने मेरे पैसे मारे किसी ने मेरे को धोखा दिया किसी ने थप्पड़ मारा मतलब जैसे कहते ना दुलाया धुलाई हुई दुबा के अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं घर की बात करके चलूँ अभी आपने कुंडली के अंदर घर की बात करी थी कि ये वाला घर नीच का है थो, थोड़ा सा घर भी समझाओ मुझे क्या होता है घर घर कुछ नहीं होता भाई पूरा ब्रह्मांड तीन सौ सात डिग्री है उसको बारह राशियों में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने कोई कोई भी के थ्री कोई भी भी डिग्री डिग्री होगी व्यू होगा होगा किसी चीज का जितना मर्जी दूर हो जाए उसको राशियों में कन्वर्ट कर दिया एक राशि तीस डिग्री की है वो बारह राशियां हो गई अब सूर्य उदय के टाइम पे जब सनराइज होता है किसी भी लोकेलिटी का एक राशि में होता है अप्रैल में होता है वो एरिस में मई में होता है टोरस में जून में होता है जेमिना में जुलाई में होता है ये कैंसर में तो जब सुबह सनराइज होता है तो फर्स्ट हाउस जो हमारा होता है हमारा लगन और सन की डिग्री सेम होती है लगन लगन मतलब असेंडेंट असेंडेंट और सन की डिग्री सेम होती है उस टाइम पे सनराइज होता है किसी भी लोकैलिटी का ऑल ओवर यूनिवर्स वो फर्स्ट हाउस हो गया वहां से थर्टी डिग्री फर्स्ट हाउस थर्टी टू सिक्सटी सेकंड हाउस सिक्सटी टू नाइनटी थर्ड हाउस ऐसे पूरा तीन सौ साठ घूम जाएगा बारह घर हो जाएंगे ऐसे पूरे घर डिसाइड हो गए प्लैनेट्स तो नजर आ ही रहे हैं वो तो नजर आ ही रहे हैं वो तो और कोई भी प्लान किसी ना किसी राशि में तो बैठा ही होगा कभी होगा एक प्लान में दो या तीन एक राशि में दो या तीन प्लेनेट बैठे एक एक तो घर का, भी इंपैक्ट रहा है, की और का, उनकी का हर चीज का इंपैक्ट पड़ता है इवन की हम किस तिथि में पैदा हुए उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है किस वार में पैदा हुए हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है किस योग में पैदा हुए हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है किस करण में और किस नक्षत्र में नक्षत्र का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है नक्षत्र पे ज्यादा बात नहीं होती क्योंकि लोग राशियों में बात करते हैं लेकिन एक राशि में तीन नक्षत्र होते हैं मुझे याद है जब मैंने अपनी पहली बार कुंडली देखी थी तो उसमें रोहिणी नक्षत्र लिखा होता मैं कह मैं रोहिणी में रहता हूँ और मेरा नक्षत्र भी रोहिणी है तो इसलिए मुझे वो थोड़ा सा याद है कि रोहिणी नक्षत्र ऐसा होता है और अगर आप रोहिणी नक्षत्र में हो तो यूर वेरी लकी मान के चलो अश्विनी वर्नी कृतिका रोहिणी मृक्षिरा आदरा पुनर्वसु पुष्य ऐसे सताइस नक्षत्र इन नक्षत्रों का भी रेलिवेंट है एक नक्षत्र तेरह डिग्री बीस मिनट का होता है वैल्यू अगर देखा जाए तो तेरह डिग्री सत्ताइस तीन सौ साठ आ गया और एक नक्षत्र का जो आगे उप नक्षत्र करोगे तो चार चरण बनते हैं तीन डिग्री बीस मिनट का एक उप नक्षत्र है तीन डिग्री बीस मिनट इंटू चार तेरह डिग्री बीस मिनट तेरह डिग्री बीस मिनट इंटू सत्ताईस तीन सौ साठ डिग्री और एक राशि तीस डिग्री होती है तीस इंटू बारह तीन सौ साठ डिग्री तो सब उस तीन सौ साठ डिग्री में तो ये देखो ना मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं मॉडर्न लोग जो मानते नहीं इन बातों को ये तो पूरा साइंटिफिक है हाँ तो साइंटिफिक है तभी तो कहता हूँ प्रॉब्लम उनकी नहीं है वो ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं मैं मैं खुद इस चीज को मानता हूँ कि जो चीज़ साइंटिफिकली आपको समझ ना आ पाए उसको आउटराइटली मानना नहीं चाहिए लेकिन जब साइंस आपको समझ आ रही है प्रॉब्लम है ये जो हमारी साइंस है ये ठीक तरह से नर्चर नहीं हुई इसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया अब आज तो मैंने ही कुर्ता पजामा पहना हुआ क्योंकि मेरे को किसी ने कहा कि आपको अपना टायर और ये सब चेंज करना चाहिए और ये सब मुझे गिफ्ट किया मेरे ही क्लाइंट ने मेरे को कोई अगर ये कुर्ता पजामा पहन के टीका लगा के या कुछ भी करके अगर इस चीज़ को ऑफिस खोल ले तो हम उससे हमें हमें तो बेसिक्स भी नहीं पता ना वो जो हम कह रहे हैं हम मान लेंगे तो डॉक्टर हमें डॉक्टरी के बेसिक्स आज के लिए सबको पता है सबको पता है हमें फीवर होगा तो हमें पैरासिटामोल दी जाएगी और अगर कोई डॉक्टर बोल दे कि फीवर में पैरासिटामोल नहीं खानी तो ऐसा हो नहीं सकता डॉक्टर से तो हम रिकनफर्म करने जाते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं है ना तो एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स तो सबको ही आने चाहिए और एक चीज होती है पंचांग द हिंदू कैलेंडर वो तो मैं कह रहा हूँ दुनिया में सबको आना चाहिए हिंदुस्तान में तो कम से कम आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि इस दिन राखी क्यों नहीं हो पा रही जबकि इस दिन मनती है जन्माष्टमी क्यों नहीं हो पा रही वृद्ध तिथि क्यों है इतना साइंटिफिक कैलेंडर है ना हमारा हिंदू कैलेंडर आप सोच भी नहीं सकते इंग्लिश कैलेंडर तो कुछ भी साइंटिफिक नहीं है जितना हिंदू कैलेंडर साइंटिफिक कुंडली की अगर बात करके चले तो कुंडली के अंदर जो घर है उसका थोड़ा सा रेलिवेंस बताओ एक पहले वाले घर का मतलब क्या है दूसरे घर का मतलब क्या होता है पहला घर सेल्फ है दूसरा घर धन भाव है तीसरा घर बात्र भाव है मतलब भाई वाला है भाई और वेंचर्स का है चौथा घर माँ का है माँ का प्रॉपर्टी का और कंफर्ट्स का पांचवा संतान का है साइंसेस का पांचवा घर है संतान का पांचवा घर है एजुकेशन का पांचवा घर है मैनेजमेंट का पांचवा घर है छठा घर रोग और ऋण का है लेकिन लोगों ने नहीं पता कि मासी और मामे का भी छठा घर है क्योंकि चौथा घर माँ का है और तीसरा घर भाई बहन का है तो चौथे से तीसरा कौन सा हुआ चौथा पांचवा छठा तो वो माँ के जो छोटे भाई बहन है उनका घर है और जिसके छठे घर में बुरे प्लेनेट्स बैठे हुए हैं उसको हमने मामे और चाचे और मासी के साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए या फाइनेंशियल नहीं करना चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी सातवा घर है अपोजिट जेंडर का जिसमें ऐसी गर्लफ्रेंड्स सब आ जाता है आठवां घर है हमारा सेकंड घर किसका था फैमिली का तो सातवें से सेकंड घर वो आठवा हो गया आपके ससुराल का घर नौवा घर एंसेस्टर्स का हो गया दसवां घर पिताजी का हो गया काम का हो गया ग्यारहवा घर शोल्डर्स का बड़े भाई बहन का गेम्स का हो गया बारवा घर कहते हैं लॉसेस का है लेकिन बारवा घर लग्जरी का भी है क्योंकि एक्सपेंडिचर का घर तो में अगर अच्छे हैं तो तो आपका एक्सपेंडिचर होगा अच्छी चीज होगी तो ऐसे घरों को वाइपर गेट किया हुआ है और इसमें तो बहुत डीप साइंस है क्योंकि जितनी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जा रही है ना मैं तो बहुत एस्ट्रोलॉजी के पास घूमा वो बहुत ही लिमिटेड वे में पढ़ाई जा रही है जिसका प्रिडिक्शन वाइज उतना रेलिवेंट नहीं आ पा रहा इसको बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है जैसे अभी एक वो था मुझे एक मैथ बताओ थोड़ी सी आपने बताया था पांच फैक्टर्स है एक तिथि है एक, एक बार, बार है तो तिथि इकतीस हो गए तीस हो गए इकतीस हो गए तिथि तीस और इकतीस नहीं होंगी तिथि पंद्रह होंगी अमावस्या से पूर्णिमा अमावस्या हो गया मून पूर्णिमा हो गया फुल मून नौ मून से फुल मून को पंद्रह दिन लगते हैं ठीक है और अष्टमी होता है हाफ जो हाफ होता है नो सप्तमी के बाद अष्टमी शुरू हो जाती है ये हो गए पंद्रह और पूर्णिमा से अमावस्या हो गए पंद्रह तीस दिन ऐसे कंप्लीट होते हैं लेकिन तीस तिथियों में उनतीस दिन लगते हैं कभी कभी आपने सुना है एक नवरात्रा ही गायब हो गया मतलब पांचवें के बाद छठा नहीं आया सातवा नवरात्र आया ऐसा क्यों होता है कोई इसकी रीजनिंग मेरे पास में पीछे पड़ गया है ऐसा क्या है पांचवे के बाद सातवा नवरात्रा आ गया छठा कहाँ गायब हो गया वो तिथियों में ना सनराइज नहीं आती वो एक दिन के सनराइज के बाद तिथि उत्पन्न होती है और दूसरे दिन की सनराइज से पहले खत्म हो जाती है

सन की डिग्री बता सकता सकते में सन की डिग्री क्या होगी और इतना इजी मैटर है कि जब मैं बता सकता हूँ कोई भी बता सकता है क्योंकि मैथ्स में बहुत अच्छा नहीं हूँ लेकिन मैथर्स hmm. को समझना बहुत जरूरी है हर महीने संक्रांति आती है संक्रांति के दिन सन एक राशि से दूसरी राशि में जाता है और सन एक दिन में करीबन पॉइंट फाइव सेवन से लेकर वन पॉइंट जीरो टू डिग्री तक घूमता है मार्च की बात करते हैं चौदह मार्च को संक्रांति होती है तो इक्कीस मार्च को सन साढ़े सात डिग्री आगे होगा क्योंकि सन रोज की एक डिग्री चलता है कॉन्सेप्ट को लॉजिकली समझना बहुत जरूरी है अगर हम कॉन्सेप्ट को लॉजिकली समझ गए तो हाथ से कुंडली बनाना भी मुश्किल नहीं है प्रेडिक्ट करना भी मुश्किल नहीं है और सामने वाले को गाइड करना भी मुश्किल नहीं है लेकिन आजकल लोग ज्योतिष आचार्य नहीं है उपाय आचार्य है और मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वो कुंडली तो देखते ही नहीं वो तो उपाय बता देते हैं पहले मान ही नहीं सकता कोई पांच मिनट में कुंडली स्टडी करने अठारह से बीस मिनट लगते हैं मुझे कुंडली को ढंग से स्टडी करने में मान ही नहीं सकता कोई मिनट में कुंडली बता दिया शास्त्र जैमिनी सूत्रम सिस्टम से कोई मिनट में अगर कुंडली स्टडी करके आपको बता देता है तो या तो मेरे को कुछ नहीं आता या वो फेक है और जैसे आपने बताया ये नहीं होता उपाय नहीं होते उपाय नहीं काम करते या कैसे है उपाय प्लस इफेक्ट होते हैं मंत्र दान और फास्टिंग उपवास इसके अलावा अगर कोई उपाय है तो वो सिर्फ आपको कुछ कमाने के लिए उपाय है वरना उसकी कोई जरूरत है नहीं मंत्र मंत्र तो मैं कह रहे हैं चैंटिंग ऑफ मंत्र जैसे किसी ने गायत्री मंत्र चैंट कर लिया दान किसी भी चीज का किसी भी ग्रेन का किसी भी चीज का दान करना उपवास फास्टिंग जैसे एकादशी के उपवास आप एकादशी तिथि बोलो अगर तो आप एक के उपवास रखोगे तो आपके लिए अच्छा है तो मंत्र दान और उपवा इसके अलावा कोई रेमेडी को मैं सपोर्ट नहीं करता मणि मणि भी एक रेमेडी बताई गई है लेकिन आजकल उगलापन है मणि वाले केस में कि लोग द, दस दस लाख पांच पांच लाख रुपए का सजेस्ट कर देते हैं इसलिए मैंने इसको अपने लाइफ के उपाय की कैटेगरी से अलग कर दिया मणि मणि मतलब मतलब रतन कोई कहता है ना नीलम पहन लो ये पहन लो वो पहन लो ये, ये उपाय की कैटेगरी में हुआ करता था मेरी उपाय तो -अला -अला मेर, मेरी शनि की दशा चल रही है ठीक है अगर मैं किसी मंदिर निर्माण में या किसी को किसी के गरीब के घर के निर्माण के लिए लोहा दान करता हूँ तो अच्छी बात है मेरा शनि उससे स्ट्रॉन्ग होगा किसी लोअर क्लास आदमी को या जो मेरा इम्प्लॉय है उसको उसकी बसंद की कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम देता हूँ तो अच्छा तो मतलब कि अगर किसी तो तो को मतलब तो आप अन्नदान दे रहे हो गुरुद्वारे में यही तो फिलोसफी चलती है चौबीस घंटे लंगर चलता है कोई भूखा आएगा तो वो नहीं होगा तो वो अन्न दान से ऊपर कोई दान नहीं माना गया और अन्न दान पका हुआ कच्चा सामने वाले की भूख मिटनी जैसे मेरा क्या है कि आटा वटा दाल चीनी दे दो किसी गरीब को ताकि उसके घर चलता रहे पर किसी ने मेरे को बोला एस्ट्रोलॉजर ने कि पका हुआ खाना देना चाहिए कच्चा नहीं देना चाहिए मैंने कहा भाई तो फिर मैं वही तो कह रहा हूँ वो एस्ट्रोलॉजर नहीं होगा लाल किताब एस्ट्रोलॉजर होगा एक लाल किताब बुक को भी बड़ा प्रैक्टिस किया जाता है नॉर्थ इंडिया में आज तक मुझे नहीं पता चला उसके ऑथर्स को तो मुझे पता है ऋषि किस ऋषि ने उस बुक को लिखा है मुझे पता पराशर वराशास्त्र पराशर जी ने लिखी है जैमिनी सूत्रम जैमिनी जी ने लिखी है ऐसे उनका मुझे नहीं पता

साउथ इंडियन चार्ट अलग है जैमिनी ऋषि वॉज फ्रॉम साउथ इंडिया और उनकी कर्म भूमि नॉर्थ इंडिया में थी क्योंकि पराशर और वेद जी बद्रीनाथ के पास रहते थे बद्रीनाथ के पास आज भी एक पराशर गुफा है जहाँ पे उनकी मूर्ति लगी हुई है वही जगह थी जहाँ पे उन्होंने समाधि ली पराशर ऋषि ने तो बड़ी सिंपल सी बात है की स्टूडेंट ही टीचर के पास आएगा ना गुरुकुल में तो वो साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया है अपना कर्म भूमि में सारी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस ही राशत ऋषि से पूरा सीखा और फिर वो कुछ सालों बाद जब महाभारत खत्म हुई और वो साउथ इंडिया चले गए और साउथ इंडिया में जैमिनी ऋषि की जो जैमिनी सूत्रम है उसकी एस्ट्रोलॉजी को बहुत हाइप मिली हुई है अब जैमिनी एस्ट्रोलॉजी करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से करते हैं मैं कुछ साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी को पर्सनली जानता हूँ जिसमें वो जमीनी सिस्टम से मुझे बताते हैं और मैं जमीनी ऋषि की फिलासफी को ढंग से समझने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जाम्पल एक एक देता हूँ आपको आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है काकीनाडा वहाँ पे जो हिंदू ब्राह्मण लोग हैं उनकी जब बच्चे को गर्ल को जो फर्स्ट पीरियड्स आते हैं मेनुस्ट्रेशन साइकिल जो फर्स्ट होती है वो उस टाइम को भी नोट करते हैं और उस टाइम की भी एक कुंडली बनाते हैं फर्स्ट मैनुस्ट्रेशन साइकिल ऑफ द गर्ल की भी कुंडली बनाते हैं और उस कुंडली के हिसाब से पता चलता है इसके फेमिनिन ट्रेड्स इसका डीएनए और इसके आने वाले बच्चे कैसे होंगे कुछ नक्षत्रों में मेन्स्ट्रेशन होती है फर्स्ट मेनुस्ट्रेशन जैसे भरनी नक्षत्र है मुख नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है और श्लेषा नक्षत्र है अगर इनमें फर्स्ट मेन्स्ट्रेशन इनमें होती है तो लड़की टॉम बॉय हो जाएगी उसके जो फेमिनिन ट्रेड्स हैं कम हो जाएंगे कुछ ऐसे नक्षत्र है कुछ ऐसी तिथियां हैं जिसमें उसको गायनिक के बहुत आएंगे अमावस्या प्लस एंड माइनस टू डेज फर्स्ट मेनुस्ट्रेशन होता है किसी गर्ल का वो ऋषि ने अच्छी नहीं बताई हुई तो हर तिथि का हर वार का हर नक्षत्र का फर्स्टन से कनेक्शन उसमें दिया हुआ है मैं आजकल रिसर्च कर रहा हूँ मेरे लिए भी नया टॉपिक है लेकिन मैं बता रहा हूँ कितनी टीम एस्ट्रोलॉजी जैसे मैं पैदा हुआ उस टाइम की मेरी कुंडली बन गई तो अब आज के टाइम पे मेरे पे वो नक्षत्र क्या असर डाल रहे हैं मैं वो देखूंगा बिल्कुल उसके बाद तो ग्रह तो घूम ही रहे हैं लेकिन आपके रिजल्ट्स उस टाइम के ग्रह के हिसाब से आएंगे और उसकी टाइमिंग टाइम टाइम के 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 ग्रह ग्रह हिसाब से जैसे उस ने बोल दिया कि आपको राजयोग मिलेगा राज्यों मिलेगा राजयोग मतलब एक पासपोर्ट आपका तो बन गया अब पोस्टमैन की ड्यूटी है ना कि वो आपके घर तक पासपोर्ट लेके आए मान लो पोस्टमैन अच्छा नहीं है और एंटी आपसे तो वो एक दो तो महीने पासपोर्ट डिले कर देगा लेकिन वो पासपोर्ट रिजेक्ट तो नहीं कर सकता ना पोस्टमैन के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है ना यही बात है ट्रांजिट की अगर ट्रांजिट आपका फेवरेबल नहीं है तो आपको कभी भी राजयोग मिलने में डिले हो सकता है लेकिन अगर कुंडली राजयोग कन्फर्म कर रही है साल बाद मिल जाएगा लेकिन मिलेगा जरूर अब मरोगे नहीं राजयोग हो गए बिना तो ट्रांजिट का जो काम जो रोज है जो रोजमर्रा के ग्रह घूम रहे हैं हमारे आस वो सिर्फ ट्रांजिट का काम कर रहे हैं वो पासपोर्ट वो पासपोर्ट हमारा बन चुका है वो, पास्पोर, वो, वो लेके नहीं आ रहा और अगर हमारा पोस्टमैन हमारे जान पहचान का है तो वो लेके आएगा पता तो अगर बात करके चले ओवरऑल 2024 हजार चौबीस

अटैक से कुछ टाइम पहले बोला और उसने बोला विद इन फोर फाइव डेज देखना कुछ होगा अजरबैजान अर्मेनिया इसराइल अमास चाइना ताइवान चाइना इंडिया पाकिस्तान तो चलो डूबी है रशिया विद यूक्रेन एंड अमेरिका ऑल्सो बहुत सारे चीजें चेंज होने वाली है अगले दो तीन साल में और आपको वर्ल्ड वॉर वर जैसा माहौल नजर आएगा और डॉलर डाउन होगा और डॉलर के सब्सिट्यूट निकलेंगे बिटकॉइन गोल्ड

एक पल मास कहते हैं अधिक मास कहते हैं एक महीना बढ़ जाता है हिंदू में ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना ये हमेशा बहुत बुरा कॉम्बिनेशन होता है दो हजार छब्बीस में आना है इससे पहले कब आया था इससे पहले आया था 1984 में जब इंदिरा गांधी थ्री एटी फोर के पीरियड में आया तब एमरजेंसी भी लगी इंदिरा गांधी की डेथ भी हुई अधिक मास और ग्रैंड का जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो वो तो प्रॉब्लम आती आती है दो हजार छब्बीस में होना है तो दो हजार बीस में भी था अधिक मास तो अधिक मास के ईयर में प्रॉब्लम आती है और इस 2026 में तो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी तो वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन को प्रोजेक्ट करना बहुत मुश्किल नहीं है वर्ल्ड वॉर अर्थक्वेक इकनॉमी नेचुरल डिजास्टर और बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी एसेंशियल चीज़ों की फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगी उसमें रेडी रखो प्रोटेक्टेड रहो इम्यूनिटी अच्छी रखो कैसी लैल रखो और अपनी कम्युनिटी बेस अच्छी रखो देखो जीतता वही है जिसकी कम्युनिटी अच्छी होती है सिक्स की सरदारों की कम्युनिटी कितनी स्ट्रॉग है मुस्लिम्स की कम्युनिटी कितनी स्ट्रॉग है अब हिंदू की कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है अब हो रही है धीरे धीरे स्पेशली इसलिए हिंदुओं में आपको बात बताऊँ जो खतरी पंजाबी है ना जो आप हो खन्नास मैं भी खतरी पंजाबी हूँ इनकी कम्युनिटी बहुत वीक है इनको बड़ी अपनी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए एक पंजाबी खतरी दूसरी पंजाबी कतरी की बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं है जितनी सिक्स में नज़र आती है या ब्राह्मण्स में नज़र आती है या आकोश में नजर आती है तो हमें भी अपनी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए और कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग हमेशा स्पिरिचुअलिटी से होती है कभी भी ध्यान में देना जैन की कम्युनिटी स्ट्रॉग है कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्पिरिचुअलिटी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसराइल क्यों इतना ऊपर है इस पर कोई आंख भी नहीं उठा सकता इंडिया में भी कोई आंख नहीं उठा सकता इसराइल की वजह से और इसराइल पे तो कोई आंख नहीं उठा सकता कम्युनिटी जो जूस है अपनी कम्युनिटी के लिए कितना कुछ करते हैं यह उदी को स्ट्रोंग करने में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो चीज ही होती है जो उनका कम्युनिटी बैकअप था

और वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक तरफ अल बरूनी की एक बुक आती है एलिमेंट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी बाय ही वाज द स्कॉलर मुस्लिम पर्सन और और उसने अरेबिक पार्ट्स रमल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट की थी वो इंडियन एस्ट्रोलॉजी की है और अल बरूनी की बुक में रिसर्च कर रहा हूँ वो इंडियन स्कॉलर से भी कई इंटेलिजेंट आदमी था मैं उसकी बुक को जब पढ़ता हूँ ना मेरे रोंटे खड़े हो जाते हैं भाई को एस्ट्रोलॉजी सब पे काम करती है बस इसको टूल नहीं लेना गाइडेंस वाले टूल लेना तो चलिए सबसे पहले थैंक यू बहुत कुछ नया सीखने को मिला और बहुत साइंटिफिकली अच्छा पॉडकास्ट था आपने बहुत सारी चीजें क्लियर करी है मेरे दिमाग में अगर मैं अपनी परासर और शास्त्र को साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर पाया तो मेरा पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है आई एवरीथिंग विद दिस साइंस इवन एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी का भी बहुत गहरा कनेक्शन है उस बारे में कभी और बात करें तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है उम्मीद करता आपको मजा आया होगा लाइक कर देना शेयर कर देना कमेंट कमेंटाना वीडियो कैसी लगी बाय गुड मॉर्निंग जब भी वीडियो देख रहे हैं जय हिंद बंदे मात्र